सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी और साउंड भी बहुत अच्छा दिया मूवी में, और रजनी सर ने जो अभी काम किया है लास्ट मूवी से काफ़ी अच्छा काम है। मैंने उनके जो थ्योरीज रहती हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट रहते हैं मूवीज़ को लेकर, वो बहुत अच्छे हैं। मैं रजनीकांत जी का ज़्यादा फैन तो नहीं हूँ, लेकिन माई वाइफ इज इज फैन एंड शी फोर्स्ड मी टू सी कव्वाली टुडे एंड द मोमेंट आई सॉ हिम ही इज सच ए सीनियर पर्सन बट द एक्टिंग एंड द फैंस पूरे बम्बई में, पहले तो साउथ में उनका जलवा था, लेकिन अभी बम्बई में भी लोग उनके फैन बन गए। मैं लोखंडवाला में रहता हूँ, वहाँ भी जलवा उन्हीं के नाम का था, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। पर देखने के बाद यस, पैसा वसूल, इट्स रियली सुपर वन। एंड रजनीकांत जी के लिए मैं कहूँगा कि वो ऐसे एंटरटेन करते रहे और हम लोग उनको देखते रहे। इट वॉज अ नाइस मूवी, वी एंजॉयड इट अ लॉट। रजनीकांत इज अ सुपर स्टार, सो enjoyed a lot and the best dialogue was बहुत खूब। बहुत ही अच्छी मूवी थी, रजनीकांत को देख के वापस रजनी जी को बहुत ही आनंद आया, इस उम्र में भी ऐसी एक्टिंग करे, वो सब युवा के लिए भी बहुत अच्छा है और एक अच्छा मैसेज भी है और अच्छी मूवी भी है। थैंक यू। रजनीकांत की कवाली के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कैसी लगी फिल्म? रजनी सर की पिक्चर देखने में हमें मज़ा आता है, बहुत उनकी पिक्चर देखते हैं, कोई भी अगर आ जाए नहीं, एक उमंग रहता है देखने के लिए। साउथ में कोई और हीरो के देख के या ना देख के रजनी सर की फिल्म देखनी पड़ती है। कव्वाली के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है, दूसरी बार देखने का मन वैसा है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी सर फिल्म आपको? हाँ, पिक्चर बहुत अच्छी है और चलेंगे भी हिट। रजनीकांत का एक्शन वगैरह जूना है, हमारे इधर रहता है, उसको पब्लिक देवता बोलते हैं। अभी उसका बर्थडे था ना, तो सब लोग ने उसका मतलब जैसा मेरून निकलता है ना वैसा उसका ये निकाला। और अभी अभी ये भी सुनने में आया है कि छुट्टियां दे दी गई कव्वाली फिल्म देखने के लिए आपकी तरफ। और दादर में उसका बड़ा फोटो माटुंगा में लगाया है, अभी उसका कव्वाली पिक्चर आ रहा है और हिट होएगा ऐसा हमारे। कैसी लगी फिल्म आपको कव्वाली? हाँ, अच्छा पिक्चर है, चलेगा। रजनी सर एकदम जूना हीरो है और एक सुपर स्टार है, हम इतना ही बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक्स। कव्वाली कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी। क्या कहना चाहेंगे रजनीकांत के बारे में? सुपर्ब है रजनीकांत। आपको क्या अच्छा लगा फिल्म में? मैं तो सब कुछ अच्छा लगा फिल्म में। एक्शन सीक्वेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्शंस बहुत अच्छे थे और लास्ट सीन बहुत अच्छा था। उनके डायलॉग बहुत खूब, उन्होंने डायलॉग भी इस्तेमाल किया। हाँ, बहुत खूब करिए। वापस देखना चाहेंगे आप? हाँ। 5 बजे कितने स्टार देंगे? हाँ, 5 बजे कितने स्टार? 5। मस्त लगी। क्या मस्त लगा आपको? क्या मस्त लगा आपको? ओ माय गॉड, क्या डायलॉग अच्छा लगा रजनीकांत का? कौन सा बोलो? बहुत या इट्स गुड, ही इज अ बिग फैन ऑफ रजनीकांत। ओके, नाउ टेल अस व्हाट यू थिंक बेस्ट अबाउट कव्वाली रजनीकांत। ओके, जिस तरह का माहौल बनाया है, यू नो, अगर मैं साउथ की बात करूँ, वहाँ छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे रजनीकांत के स्टारडम के बारे में? उनके हमने भी छुट्टी ले ली भाई, हमने भी छुट्टी ली है खास उसके लिए। क्या कहना चाहिए? रजनी क्रेज, रजनी इंडिया। ओके, मुंबई में भी फिल्म को रिलीज करा गया और ये हिस्ट्री क्रिएट करी गई है जिस तरह से, जिस पैमाने पे फिल्म को रिलीज करा गया, उस बारे में क्या कहना चाहिए? रजनी मूवी इज ऑल रिलीज द सेम वे। और इस क्रेज के बारे में क्या कहेंगे जो रजनी को लेके है? कुछ नहीं यार, दैट इज ऑल रजनी। ओके, कव्वाली ऑल इज रजनी। कव्वाली इट्स अ डिफरेंट मूवी, एक्शन कम था, मगर इट इज ऑल रजनीकांत। ओके, क्या अच्छा लगा द डायलॉग आल्सो वेरी फेमस, गेटिंग फेमस, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। कैसे लगा रजनीकांत का? बहुत अच्छा लगा, एक नंबर, जैसे भी था बहुत मज़ा आया। मेरे दोस्तों के साथ देखा मैंने पिक्चर, अभी पिक्चर शो खलास होके आया और उसके जो डायलॉग्स थे अभी तक मतलब लगते नहीं करके ओल्ड हो गया। फुल रॉक सर, रियल लाइक्स। तू कुछ बोलना चाहेगा अजय? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, बहुत वेरी वेरी नाइस मूवी। क्या रजनीकांत में क्या मतलब एक्टिंग ऐसे क्या पसंद हो गया? बोला जो एक्टिंग और जो डायलॉग्स रहते उसके वो बहुत अच्छे लगे, सबके हटके रहते उसके डायलॉग, और उसका जो स्टाइल रहता है हमेशा न्यू लुक्स लेके आता है पब्लिक के लिए।